सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरो को हीरो से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता है। ये वो दौलत है जो पाई जाती है, कमाई नहीं जाती। हंसते रहा करो दोस्तों, चिंता करने के लिए बुढ़ापा तो आएगा ही। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। आज का पंचांग 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 5:07 से 6:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:04 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर ही रहेंगे। मकर राशि 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार, आप इस समय आध्यात्मिक स्वभाव के हैं। अपने विश्वासों को मजबूत करें और कुछ नया सीखने के मौके का उपयोग जरूर करें। पेरेंट्स या उनके जैसे कोई आपको ज्ञान दे सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, आप आज शांत हैं और खुले दिमाग से जीवन को खोजने के लिए भी तैयार हैं। नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपकी मेहनत और लग्न की अप्रत्याशित लाभ प्राप्त भी होने वाले हैं। परिवार से संबंधित किसी समस्या का हल निकालने में आपका विशेष योगदान भी रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान भी नई नई जानकारियों को हासिल करने में लगेगा। आपको अपने निर्णय क्षमता पर विश्वास रखना होगा। भावनात्मक रूप से कुछ बातें तकलीफदायक साबित होगी। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उनके बारे में विचार न करें। घर परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएं, मन को प्रसन्न रखें और सकारात्मक महसूस होने लगेगा। सुगर संबंधित परेशानी भी हो सकती है, उनको अपना ध्यान रखना है। सावधानियां, दूसरों की सलाह व परेशानी से आप कंफ्यूज हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भ्रम होगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। बेहतर होगा कि अपनी जीवन शैली व बेहतर होगा कि अपनी कार्य शैली व योजनाओं को खुद ही व्यवस्थित बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका साथी आपको आराम प्रदान करेगा। अपने साथी से प्यार का इजहार करने के लिए उसे चॉकलेट फूल या कुछ अच्छा सा उपहार दे सकती हैं। साथ ही साथ अपना समय भी दें। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, न ही आपका मन काम में लग रहा है। आपको हर जगह एक ही चेहरा नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए आप प्यार में पड़ चुकी हैं। अपने इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने काम को भी ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आज कोई भी निर्णय अपने पिता की तरह के व्यक्ति से या अधिकारी की सलाह के बाद लें। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा भी संभव हो सकता है। करियर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी कुछ देर इंतजार भी करें। आज कानूनी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसीलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बात करते हैं सेहत की। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आप ज्यादा कार्यभार ना लें अपने ऊपर, नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अन्य गतिविधियों के साथ आप अपना ध्यान भी रखना सीखें। आज का उपाय, गरीबों को आज चावल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।